हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी घड़ी में बज रहा है 12:30 और मैं जा रही हूँ सोने। हाँ, दिन के 12:30 पर मैं सोने जा रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरा जो काम है वो ऐसा है कि कभी भी मुझे सोना पड़ता है, कभी भी उठना पड़ता है, कभी भी फ्लाइट के लिए जाती हूँ, कभी भी लौटती हूँ, कभी सुबह 4 बजे खाना खाती हूँ फ्लाइट पर, कभी सुबह लौट कर 3 बजे खाना खाती हूँ, कभी रात को 2 बजे डिनर करती हूँ। अभी तो आदत भी पड़ गया है, पर हाँ, बॉडी थोड़ा सा डैमेज होता है एक ही पर्टिकुलर टाइम पर स्लीप, खाना ये सब नहीं होने की वजह से, पर काफ़ी आदत पड़ गई है अभी मुझे। मैं सोने इसीलिए जा रही थी क्योंकि 2 घंटे में मेरी फ्लाइट है और थोड़ा 2 घंटा एकदम सो तो नहीं जाऊंगी पर थोड़ा सा ऐसे रेस्ट कर लूंगी। वेल रेस्ट करके जाना इज वेरी नेसेसरी। फिर उठने का टाइम हो गया और लिविंग रूम में जो परछाई दिख रही है ना आपको, वो मेरा जो पर्दा है उसका परछाई है। मैं जब वीडियो बनाई तब समझ में नहीं आया मुझे, पर जब मैं एडिट कर रही थी मुझे भी थोड़ा सा डर सा लगा कि कौन था उस समय। मेरे हस्बैंड तो निकल गए थे ऑलरेडी, पर हाँ, वो पर्दा थी और हवा चल रही थी तो उसका ही परछाई है। वो सारे वीडियोस याद आ गए मुझे जिसमें दिखाते हैं कि खाली आंख में कुछ चीजें नहीं कैद होती हैं पर कैमरे में कैद हो जाती हैं, जैसे कि लोगों के सीसीटीवी कैमरे होते हैं घर के बगल में या कोई भी सर्विलेंस कैमरा है उसमें कुछ चीजें कैद हो जाती है। वो सब चीज मेरे दिमाग में आ रहा था जब मैं एडिट कर रही थी वीडियो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ, इस घर में मैं करीब 1 साल से ज्यादा हो गए हम रह रहे हैं, इस घर का वाइब काफी अच्छी है, यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं रेडी हो गई फ्लाइट के लिए। जेमस्टोन्स जो कल भिगो के रखी थी वो मैं पहन रही थी। चाय पिया मैंने अभी, बिकॉज सुबह नहीं पी थी। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि दिन में एक ही बार चाय पीऊँ। इसके कारण ये है कि फ्लाइट में जो हम जाते हैं ना, एयर प्रेशर की वजह से हमारे बॉडी डिहाइड्रेटेड होते हैं, उसके ऊपर से अगर मैं 3-4 बार चाय पीऊँ तो और ज्यादा डिहाइड्रेशन होगी। फ्लाइट में तो मैं बिल्कुल चाय कॉफी पीना बंद कर दिया, इंस्टेंट एक हॉट चॉकलेट आती है वो पीती हूँ कभी कभार, और घर पे भी अगर मुझे ऐसे गर्म कुछ पीने का मन करे तो मैं बॉर्नविटा पी लेती हूँ। कॉफी तो बिल्कुल ही कट डाउन कर दिया, दिन में एक बार सुबह नहीं तो शाम को चाय पीती हूँ। कॉफी मैं तभी पीती हूँ जब मेरी कोई ट्रेनिंग होती है, क्योंकि ट्रेनिंग में मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आती है। पता नहीं आप लोग भी बताना, आपको भी ऐसे ऑनलाइन क्लासेस होने से नींद आती है कि नहीं। मुझे ऑफलाइन मतलब कॉन्टैक्ट क्लास में भी काफी ज्यादा नींद आती है। मैं भी हर ब्रेक में जाके कॉफी पीती हूँ, वो भी एस्प्रेसो वाला जो एकदम कड़वा वाला होता है, ताकि मेरा नींद भाग जाए, पर कभी कभी वो भी हेल्प नहीं करता। फिर मेरी कैब आ गई और मैं निकल गई थी। जल्दी लौटूंगी मैं करीब 8 बजे, और मैं 7:45 बजे ही लौट गई थी क्योंकि मेरी फ्लाइट काफी जल्दी लैंड किया था टेल विंड की वजह से। टेल विंड क्या होती है कि फ्लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही होती है विंड भी उसी डायरेक्शन से आती है, तो फ्लाइट को ये हेल्प करता है जल्दी अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि मुझे जल्दी घर आना था। पेनी यहाँ पे सो रही थी, सबसे पहले पेनी को मैंने कर्ड राइस खिलाया। और आप लोगों में से कुछ लोग मुझे पूछते रहते हो कि पेनी को जब ऐसे घर पे 4-5 घंटा छोड़ के चले जाते हो वो सामान खराब नहीं करती है? बिल्कुल भी नहीं करती। पेनी बहुत ही अच्छी बच्ची है, बचपन से लेके आज तक उसने मेरे एक चप्पल भी नहीं खराब किए हैं। बचपन में थोड़ा बहुत जब करती थी हम बस ऐसे मना करते थे, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग भी नहीं दिए उसको, पर वो बचपन से ही बहुत ज्यादा समझदार है। हम कोशिश करते हैं उसको 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं छोड़ के जाने के लिए, कभी अगर इमरजेंसी हो गए, पर वी गॉट हेल्प बिकॉज मैंने जिनसे पेनी को लिया है उनके घर मेरे घर से 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस में है, तो कभी अगर हमें मदद चाहिए होता है कि हम कहीं फंस गए हैं तो वो लोगों को बोलने से वो लोग आके पेनी को खाना खिला के उसके साथ खेल के जाते हैं। रोटी खरीद के लेके आए, सब्जी बनी हुई थी। यहाँ पे मैं पेनी को जेलस फील कराने की कोशिश कर रही थी। पेनी ना कोई भी किसी और को प्यार करने से बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है, जैसे मम्मी अगर मेरे को प्यार करी है, मैं मम्मी को या मैं हस्बैंड को, किसी को भी, सबका प्यार बस उसी को मिलना चाहिए। यहाँ पे हम सोने के लिए जा रहे थे, 12:15 बज गए हैं। आप लोगों में से कुछ लोग मुझे पूछे भी और कुछ लोग सोचते भी होंगे कि आप आपके हस्बैंड के साथ नहीं सोती। ऑफ कोर्स हम लोग एक ही कमरे में सोते हैं, एक्सेप्ट जब मैं फ्लाइट करके ऐसे 3 बजे 3:30 बजे लौटती हूँ सुबह, तो मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ बिकॉज मैं उनका नींद खराब नहीं करना चाहती। बाकी समय हम एक ही साथ सोते हैं, पर मेरे हस्बैंड कैमरे के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है और मैं उनको फोर्स नहीं करना चाहती, क्योंकि यूट्यूब करना मेरा शौक था, बहुत पुराना शौक जो मैं फुलफिल करना चाहती थी। फाइनली आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं अभी खुशी खुशी इसको कर पा रही हूँ विद अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, पर एट द सेम टाइम मैं मेरे हस्बैंड को नहीं फोर्स कर सकती। आई होप कि आप लोग समझोगे। एक वीडियो मैं मेरे हस्बैंड के साथ बनाने की कोशिश करूंगी जिसमें हम हमारे बारे में कुछ बातें शेयर करेंगे, पर वो वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज मेरे हस्बैंड कंफर्टेबल नहीं है, तो मुझे पहले उनको कन्विंस करना पड़ेगा तब भी मैं वो वीडियो बना सकती हूँ। आज भी सुबह उठकर मैं चाय नहीं पी बिकॉज मैं शाम को चाय पीऊंगी फ्लाइट से पहले, जब मैं फ्लाइट के लिए जाऊंगी। यहाँ पे हम लोग कर रहे थे लंच। लंच में आज है दाल आलू चोखा और थोड़ा सा पापड़। कभी कभी ना हम ऐसे हफ्ते में 2-3 दिन दाल आलू चोखा और पापड़, रोटी भी दाल के साथ खा लेते हैं, और दाल भी बहुत सिंपल वे में बनाया मैंने। थोड़ा सा ऑयल डाला, थोड़ा सा काला जीरा और थोड़ा सा नमक। ऐसे खाने से ना आपका पेट भी सही रहता है और हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे खाना भी चाहिए। मैं यहाँ पे एडिट करूंगी एक वीडियो क्योंकि मेरी शाम की फ्लाइट है, तो रात भर फ्लाइट पर निकल जाएगी, सुबह लौट कर भी मुझे नींद आएगी, तो मुझे टाइम
नहीं होगा। अभी 2 घंटा लगेगा मुझे एडिट करने के लिए। ये मेरी सिल्वर प्ले बटन जो अभी फिलहाल यहीं पे रखा है ताकि आप वीडियो में देख सकते हो। ये ड्रेसिंग टेबल के बगल में जो थोड़ा सा जगह है ना, मैं वहीं पे इसको लगाऊंगी, पर किसी को बुलाना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद से करने का रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। दिस माइक्रो फाइबर टाल आई गॉट फ्रॉम अमेजोन, 4 मंगवाई मैं, बहुत ही प्यारा सा कलर है। ये ब्लू वाला मैं फिलहाल यूज करूंगी, बाकी रख दूंगी। छोटा साइज में मंगवाई क्योंकि छोटा होता है तो धोने के लिए और सुखाने के लिए आसान होती है। बॉडी के लिए भी यूज कर पाऊंगी और हेयर के लिए भी। यहाँ पे मैं लगा रही थी हेयर सीरम शाइन के लिए। जो भी प्रोडक्ट ऐसे स्टाइलिंग के लिए लगाते हैं ना, जैसे हेयर सीरम हो, मूस हो, वैक्स हो, हीट प्रोटेक्टेंट हो या कंडीशनर और मास्क, आप उसको हेयर लेंथ पर ही लगाना, एक्सेप्ट उसमें लिखा रहे कि आप उसको स्कैल्प पर लगा सकते हो। और जो ऐसे ऑयल होती है या हेयर ग्रोथ सीरम, जैसे मैं पिलग्रिम का हेयर ग्रोथ सीरम यूज करती हूँ, या कोई एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट, वो आप स्कैल्प पर लगा सकते हो। मुझे भी पहले ऐसी गलत फहमी थी कि जो हमारे हेयर मास्क है ना, हम उसको स्कैल्प पर लगा सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना। अगर वो एंटी डैंड्रफ मास्क है जो स्कैल्प पर लगाने के लिए है, तो आप उसको स्कैल्प पर लगा सकते हो। बाकी सारे जो कंडीशनर या हेयर मास्क होती है ना, वो बस हेयर लेंथ पर अप्लाई होती है। एंड ऑफ कोर्स शैम्पू स्कैल्प पर लगती है, क्योंकि प्राइमरीली स्कैल्प को क्लीन करने के लिए हम शैम्पू यूज करते हैं। पहले मुझे इसका कंसेप्ट भी क्लियर नहीं था, मैं लेंथ पर ज्यादा फोकस करती थी, पर अभी मैं स्कैल्प पर ज्यादा फोकस करती हूँ। जब शैम्पू करती हूँ, अच्छे से स्कैल्प को मसाज करती हूँ अपने फिंगर के मदद से। अभी एक टूल भी अवेलेबल है ऑनलाइन, जो कि वो सिलिकॉन ब्रशेस जैसा है, जिसे आप अपने स्कैल्प को मसाज कर सकते हो ऑयलिंग करने के बाद या शैम्पू करते समय। मुझे लगता है हमारे जो फिंगर्स है वो भी काफी अच्छी काम करती है स्कैल्प मसाज करने के लिए। पर अगर आपके पास वो टूल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसी काम करती है, फिर मैं भी ट्राई करूंगी। यहाँ पे मैंने स्किन केयर कर लिया और बाल सुखा रही थी, 80% तो मैंने एयर ड्राई होने दिया, फिर पीछे में जो बाल ऐसे थोड़ा सा डैम्प रह जाता है उसको ही मैं सुखा रही थी। मैंने मेरा स्केड्यूल चेक किया रेडी होने से पहले। आजकल मैं रेडी होने से पहले हमेशा स्केड्यूल चेक करती हूँ। पहले ऐसा होता था कि मेरी फ्लाइट डिले होती थी और मुझे पता नहीं चलता था, मैं रेडी होके एयरपोर्ट भी पहुंच जाती थी कभी कभार। जब मैं स्केड्यूल चेक किया, पता चला कि मेरी फ्लाइट 2 घंटा डिले है। सोने का प्लान नहीं था मेरा, पर अभी 1-1.5 घंटे के लिए सो जाऊंगी, अच्छा ही हुआ। शायद मैं 4-4.30 बजे लौट जाती तो लौटते लौटते 6 बज जाएगी, पर कोई बात नहीं, मैं 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे खिड़की के पास खड़े होके मैं देख रही थी गोल्डन आर, कितना सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लाइट आ रही थी। जो लोग शादी करते हैं वो लोग इस समय अच्छे अच्छे फोटो खिंचाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी जो स्किन केयर या मेकअप के भी वीडियो फिल्म करते हैं ना, वो लोग इस समय फिल्म करते हैं, क्योंकि ये लाइट बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ पे मैं और पेनी थोड़ी देर के लिए सो गए। पेनी को सोने का मन नहीं था, पर बाहर काफी गर्मी है, मैं उसको बाहर नहीं छोड़ सकती। थोड़ा सा एसी चलाई थी मैंने इस कमरे में। दरवाजे के पीछे मेरी यूनिफॉर्म रेडी है, बाल भी सेट कर लिया, स्किन केयर भी कर लिया। अभी मैं उठूंगी, फिर मैं ब्रश करूंगी। हाँ, मैं फ्लाइट में जाने से पहले, कहीं भी बाहर जाने से पहले ब्रश करती हूँ। फिर मैं चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, मेकअप लगाऊंगी और निकल जाऊंगी फ्लाइट के लिए। आपके साथ मैं फिर से मिलूंगी नए व्लॉग पर। तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।